वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आपका बाजार. हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, लोकेश उपल है, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं. फटाफट शेयर सेगमेंट शुरू करने से पहले एक बार एक शेयर पर नजर डाल लेते हैं. आइडिया सेलुलर अब आप देखें 11% तक की वीकनेस के साथ दिन के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है. 12% तक की अब वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है. 104.80 रुपए के भाव पर अभी करंटली चल रहा है. और कहीं ना कहीं आज जो खबर आई है उसका असर देखने को मिल रहा है. प्रोविडेंस इक्विटी कंपनी ने जो हिस्सेदारी बेची है ब्लॉक डील के जरिए, उसका असर आप साफ तौर पर देख रहे हैं. और अब करीब करीब 12% ये शेयर नीचे होते हुए नजर आ रहा है. और पूरा टेलीकॉम स्पेस जो है इस ब्लॉक डील के बाद एक दबाव में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और अब देख लेते हैं फटाफट शेयर्स में कौन कौन से क्वेरीज आई हैं. सबसे पहले जो क्वेरी आई है हमारे पास कर्नाटका से लक्ष्मीकांत जी की है. रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं. 300 शेयर्स है इनके पास 70 रुपए के भाव पर. लोकेश यहाँ पर क्या राय होगी? अगर हम रिलायंस कम्युनिकेशन के चार्ट को स्टडी करते हैं, देयर सीम्स टू बी ओवरसोल्ड. होल्ड योर पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 42 एंड द टारगेट इज 57. जी अगला सवाल है हमारे पास गुनेंद्र का तेलंगाना से. कॉक्सन किंग्स पर इनकी क्वेरी है. 100 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस 320 का. क्या करना चाहिए लोकेश? काफी नुकसान इनको हो रहा है. इफ आई लुक एट द मंथली चार्ट्स ऑफ कॉक्सन किंग, वी सी अ हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन व्हिच इंडिकेट्स इज अ वीक स्टॉक. प्लीज एग्जिट ऑन राइज. इसको अवॉइड कीजिए. अवॉइड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है. अगला सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से. विशाल का ये सवाल है शैरन बायोटेक पर. ये जानना चाहते हैं 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का भाव पर खरीदारी की हुई है. थोड़े नुकसान में भी हैं. लोकेश यहाँ क्या करना चाहिए? We will recommend शैरन बायोटेक is not a good stock to stay into. Please sell on rise, avoid the stock. जी अवॉइड करने की सलाह है शैरन बायो. एचडीएल पर अगली क्वेरी है हरीश की राजस्थान से. 2900 शेयर, खरीद भाव है 100 रुपए का. क्या करना चाहिए लोकेश? एचडीएल के चार्ट को स्टडी करते हैं. 78 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद इसमें अच्छा बुल रन दिखा गया. 100 रुपीज की रेजिस्टेंस है. जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा 105-106 के लक्ष्य मिल जाएंगे. होल्ड योर पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 93 रुपीज. ऑलराइट, बने रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है. 106-107 रुपए के यहाँ पर आपको टारगेट्स देखने को मिल सकेंगे. अगला सवाल है मध्य प्रदेश से पीआर मिश्रा जी का. एनटीपीसी पर ये जानना चाहते हैं. 500 शेयर्स है इनके पास, परचेसिंग प्राइस इनका है 223 का. काफी नुकसान में है अभी यहाँ पर. मिस्टर उपल क्या करना चाहिए? वी हैव अ बुलिश फॉर्मेशन ऑन एनटीपीसी. यहाँ पे बुलिश राय है हमारी. होल्ड योर पोजीशन फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 153 एंड सेकंड टारगेट इज 180. तो 153 का पहला लक्ष्य है और 180 का दूसरा लक्ष्य है. एनटीपीसी पर होल्ड करने की सलाह है. अगला सवाल ले लेते हैं. एचएसआईएल पर है ये सवाल वेदास का महाराष्ट्र से. 200 शेयर है, खरीद भाव है 250 रुपए का. क्या करना चाहिए लोकेश? खरीद भाव से ऊपर ट्रेड कर रहा है. इफ आई लुक एट अ मंथली चार्ट ऑफ एचएसआईएल, इसमें बुलिश फॉर्मेशन शुरू होने वाला है. जहां पे स्टॉक 300 के लेवल से सेलिंग देख रहा है, अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए एंड एग्जिट द स्टॉक. जी चलिए अगला सवाल लेते हैं. पंजाब से गुरप्रीत का ये सवाल है. क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर जानना चाहते हैं. 300 शेयर्स है इनके पास, 66.50 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदारी की हुई है. फिलहाल 73.65 पर चल रहा है. अच्छे प्रॉफिट्स में है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी इस शेयर पर बना हुआ है. सलाह क्या होगी? If I look at the long-term charts of Crompton Greaves, we see a bearish formation. Kindly book your profits and exit the stock. हिमाचल प्रदेश से सवाल है हरी का. HPCL 960 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस इन्होंने मेंशन किया है उसके मुताबिक 22.65 रुपए का ये लेवल बता रहे हैं. या तो इनकी एक्सट्रीमली पुरानी खरीद है या फिर परचेजिंग प्राइस शायद इन्होंने गलत मेंशन किया है. और एज पर प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो 22 रुपए का तो ये स्टॉक कभी होता नहीं था. तो आई गेस कुछ टाइपिंग एरर होगा. पर फिर भी लोकेश HPCL पर राय क्या है आपकी? If I look at the long-term charts of Hindustan Petroleum, we see a bullish formation. The stock can reach the levels of 946 and 950 on the upside. Hold your positions. होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है. अगला सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से. अभी का ये सवाल है आरती इंडस्ट्रीज पर. ये जाना चाहते हैं इनकी जो परचेजिंग प्राइस है यहाँ पर 563 की है. 60 शेयर्स यहाँ पर खरीदारी की हुई है. 510 पर देखा जाए तो करंटली ट्रेड कर रहा है. नुकसान में तो है. लोकेश यहाँ क्या सलाह देंगे आप? इफ आई लुक एट द स्टॉक्स, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ आरती इंडस्ट्रीज, 524 के आसपास रेजिस्टेंस है. स्टॉक उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा. सेल एंड राइज की रणनीति को अपनाएं, एग्जिट करें. सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपना एग्जिट करें आरती इंडस्ट्री से, ऐसा लोकेश मानते हैं. डीसीबी बैंक पर अगली क्वेरी है अंकित की दिल्ली से. 200 शेयर्स, परचेजिंग प्राइसेस 90.40. डीसीबी बैंक अब 94 रुपए पर आ चुका है. इनके खरीद भाव से तो ऊपर है. क्या करें लोकेश? मुनाफा समेट ले, होल्ड रखें? VSA साइडवेज कंसोलिडेशन इन डीसीबी बैंक. 100 रुपीज की रेजिस्टेंस है. जैसे ही स्टॉक उसको क्रॉस करेगा 103-104 के लक्ष्य मिल जाएंगे. होल्ड योर पोजीशन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 92 रुपीज. ऑलराइट, 92 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं. स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहां पर देखने को भी मिल सकेगी. अगला सवाल लेते हैं हमारे पास एस शुक्ला जी का सवाल है महाराष्ट्र से. ये जानना चाहते हैं अबाउट एनसीसी. 100 शेयर्स है इनके पास, 71 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदारी की हुई है. फिलहाल उसके आसपास भी चल रहा है. लोकेश यहाँ क्या सलाह देंगे आप? वी सी अ बेरिश फॉर्मेशन ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स ऑफ एनसीसी. काइंडली एग्जिट द स्टॉक. जी अगली क्वेरी है हमारे पास टाटा मेटलिक्स पर. राकेश की दिल्ली से. 200 शेयर, 253 के भाव पर. हायर लेवल्स की खरीद, लेकिन स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाईस पर ही ट्रेड कर रहा है. लोकेश क्या करना चाहिए टाटा मेटलिक्स में? अगर इसको देखा जाए तो इसमें सर्किट फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट देखा गया. काइंडली स्टे इन द स्टॉक. जी
ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास पंजाब से हरमिंदर का ये सवाल आया है, ये दो शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं। पहला इनका एलएनटी फाइनेंस है, जहां पर इनकी पोजीशन है 53 की और 400 शेयर्स खरीदे हुए हैं। दूसरा शेयर एनएचपीसी का है, 1000 शेयर्स यहां पर लिए हुए हैं 26 के परचेजिंग प्राइस के साथ। फिलहाल 24.80 पर एनएचपीसी भी कामकाज कर रहा है। दोनों ही शेयर्स पर आप क्या सलाह देंगे लोकेश? अगर हम एनएचपीसी के चार्ट को स्टडी करते हैं, 23 रुपये को क्रॉस करने का इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखा गया, होल्ड योर पोजीशन फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 28 रुपीज। और अगर हम एलएनटी फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें 85 पर लक्ष्य ऊपर की तरफ नजर आता है, होल्ड योर पोजीशन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड 72 रुपीज। चलिए शुक्रिया लोकेश, सभी क्वेरीज को आपने एड्रेस किया, शो में आप शामिल हुए।